दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएससी टॉपर सृष्टि जयंत देशमुख की सफलता के बारे में। तो आइए आप सभी जानिए कि किस तरह से इन्होंने अपनी सफलता के लिए काफी मेहनत की है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, सृष्टि जयंत देशमुख की ऑल इंडिया रैंकिंग जो है यूपीएससी के अंदर और वह 5 है, और इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में ये सफलता हासिल की है। और वही बात करें तो ये यूपीएससी 2018 बैच से हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में और इनकी कहानी को। तो इससे आप लोग क्या सीखेंगे, आपको इससे जो प्रेरणा मिलेगी वो यहाँ पर काफी अच्छा है। फ्रेंड्स, यूपीएससी टॉपर 2018 सुर्खियों में रही सृष्टि जयंत देशमुख काफी चर्चा में रही हैं। फ्रेंड्स हुए ना क्यों, क्योंकि विषय ही एक चर्चा का है। यूपीएससी 2018 में टॉप करने वाली सृष्टि जयंत की कहानी के बारे में देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों के अंदर इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कहने का मतलब यही है कि महिला प्रतिष्ठा जो हमारी यूपीएससी परीक्षा है वहां पर इनका जो स्थान है वहां पर फर्स्ट प्लेस है। और चौंकाने वाली बात तो फ्रेंड्स ये है, क्योंकि आपको इसको जानकर हैरानी होगी कि इनकी ऑल इंडिया रैंकिंग 5 है। कहने का मतलब यूपीएससी के अंदर इनकी जो रैंक होती है वह 5 होती है, लेकिन महिलाओं में ये सबसे प्रतिष्ठित और पहले स्थान पर सृष्टि जयंत का स्थान आता है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सीखने वाली बात है कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती हैं। ये इनकी सफलता है, इनको इन्होंने अपने अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर एक दिखावा करके फ्रेंड्स, अच्छी दिन रात मेहनत करके ये सफलता हासिल की है। तो आपको इससे कुछ सीखना चाहिए कि जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। फ्रेंड्स जरूर कर सकते हो। जितने भी यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले हैं सभी लोग इसको देखकर कुछ ना कुछ सीखिए कि आप भी कुछ ऐसा एक बड़ा कर सकते हैं। चलिए यूपीएससी के अंदर इनकी जो एक पहचान है उसको हम लोग बताते हैं, इनकी कुछ निजी जिंदगी के बारे में बताते हैं। दोस्तों सृष्टि जयंत देशमुख मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने लोक सेवा परीक्षा के बारे में काफी कुछ बताया है, इससे आपको क्या सीख मिलनी चाहिए वो आप लोग देखिए। देखिए सृष्टि जयंत देशमुख का कहना ये है कि अगर आप सिविल सर्विस की परीक्षा का एग्जाम देना चाहते हैं, यहाँ पर आकर आप कंपटीशन करना चाहते हैं, तो कम से कम आप अपनी जो कि तैयारी को 1 से 1.5 साल का समय आपको देना होता है। कहने का मतलब ये है, अगर आप इस सिविल सर्विस परीक्षा में आते हैं, ये परीक्षा काफी लंबी मानी जाती है, तो इसमें अपना कम से कम 1 से 1.5 साल इस तैयारी के लिए आपको इसको देने होते हैं। फ्रेंड्स ये इसका नॉर्मल टाइम है। अगर आप अच्छे हैं पढ़ने में, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपकी सब कुछ अच्छी है, तो आप इस परीक्षा को और भी कम समय में टारगेट कर सकते हैं, इसकी तैयारी को लेकर सिर्फ। और नहीं तो फ्रेंड्स, किसी किसी के दो दो तीन तीन अटेम्प्ट होते हैं, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, सृष्टि जयंत देशमुख ने अपने प्रथम स्थान पर, अपने पहले ही प्रयास में ये महिला महिला अभ्यर्थी के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है और यूपीएससी के अंदर 5वां स्थान प्राप्त किया है। आपको इनके बारे में बता दें कि इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में ये बीटेक है केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से। तो देखिए एक इंजीनियरिंग को होते हुए भी, इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट को लेकर भी, ये एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में कैसे इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो फ्रेंड्स ये काफी एक सीखने की विषय है, हमारा सीखने का विषय है कि इससे हम भी कुछ सीख सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो और क्या कहना है आपको सृष्टि जयंत देशमुख की सफलता के बारे में। दुआ कीजिए इनकी सफलता के बारे में और आप भी इससे कुछ सीखिए। तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है, क्योंकि ये सफलता की कहानी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी है, और आप इससे सीखिए और बहुत कुछ करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।